वो चिता चला रहे 140 करोड़ लोगों के सिलेंडर के नाम पे झुंझुना, नौकरी के नाम पे झुंझुना, महंगाई के नाम पे झुंझुना, विकास के नाम पे झुंझुना। ये झुंझुने वाली सरकार खाली फेकू सरकार, तो ये तो दोगली सरकार है, झूठी सरकार है। जो मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी बंधन को लेकर जो झुंझुना पकड़ा है ना, हमें वो झुंझुना हमें नहीं चाहिए। हमें 33% आरक्षण चाहिए, हमें हमारा हक अधिकार चाहिए, नारी सशक्तिकरण, नारी को रोजगार, नारी पे जो अत्याचार होता है उस पर लगाम। दलित की बच्चियों के साथ, SC ST की बच्चियों के साथ कितना अत्याचार होता है, आज भी छुआछूत होती है। मोदी जी अपनी आंखें बंद करके गूंगे बन के बैठे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण को लेकर जिस तरह से महिला घेराव यहाँ पे संसद घेराव के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पे मैं जानने की कोशिश करूँगा, कुछ महिलाओं से बातचीत भी करूँगा किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को लेकर अत्याचार और तमाम चीज़ों पर लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो मैं कुछ महिलाओं से बात करने की भी कोशिश करूँगा। आप ये देख सकते हैं साफ साफ ये महिला जो लिए हैं कि न्याय, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग आरक्षण दो नहीं तो संसद घेराव करेंगे। और ये सुबह सुबह और यहाँ पे तमाम मुद्दों से यहाँ पे बातचीत करने के क्या मैं कहेंगे, आप जिस तरह से आप लोग यहाँ पे संसद भवन का घेराव करने के लिए आई हैं। जो मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी बंधन को लेकर जो झुंझुना पकड़ा है ना, हमें वो झुंझुना हमें नहीं चाहिए। हमें 33% आरक्षण चाहिए, हमें हमारा हक अधिकार चाहिए, हमें OBC वर्ग की महिलाओं को भी 33% आरक्षण में लेना है। और नारी सशक्तिकरण, नारी को रोजगार, नारी पे जो अत्याचार होता है उस पर लगाम लगा। मणिपुर पे जो अत्याचार हुआ नरेंद्र मोदी जी उस पर लगाम क्यों लगाती, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते। मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नारी काम ही नहीं किया, जब तो मेजोरिटी नहीं आई। ये झुंझुना है, झुंझुना है उनका, पेपर के काम, पेपर के काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बलात्कार करवाओ और उनको टिकट दिलवाओ। दलित की बच्चियों के साथ, SC ST की बच्चियों के साथ कितना अत्याचार होता है, आज भी छुआछूत होती है। मोदी जी अपनी आंखें बंद करके गूंगे बन के बैठे। हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर हिंदू दलित करते हैं, फिर बंगाली मराठी, यही उनका काम है। उनको काम नहीं करना है, उनको भारत को विभाजित करना, और वो हम होने नहीं देंगे। गाँव के लिए उन्होंने उज्ज्वल योजना दिया ताकि उन लोगों को सबके 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 सिलेंडर है ना घर पे पड़े हुए, खाली पड़े हुए, खाली गैस जो है ना वो इतनी महंगी करती कि बेचारी भरा नहीं पा रही है। उज्ज्वल योजना सिलेंडर के नाम पे झुंझुना, नौकरी के नाम पे झुंझुना, महंगाई के नाम पे झुंझुना, विकास के नाम पे झुंझुना। देश देश के खा गया खाली फूट फूट की सरकार, ये झुंझुने वाली सरकार खाली फेकू सरकार, जो बस ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धरातल पर पता नहीं कब लागू करेगा। 33% हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब जब धर्म की हानि हो धर्म का बोल। महिलाओं की आर्थिक सुधारने के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, किसको दे रहा है, खाली झुंझुने पकड़ा रहा है। राशन के नाम पे बोल रहे KYC कराओ, ये कराओ, वो कराओ। KYC किसी की हो भी नहीं रही है, जो जिसको मिल रहा था ऑलरेडी उसका भी बंद हो गया है। खाली जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला बड़ा है, तब तक महिलाओं ने कमान संभाली है और अधर्म का नाश किया है। सुकन्या योजना जैसे योजनाएं चलाते हैं नारियों के लिए, सुकन्या योजना, कन्याओं की पहले इज्जत तो बचा ले, पहले इज्जत बचा ले उसके बाद में करें ये योजनाएं। दे क्या योजना दी है मुझे ये बताओ, कन्याओं की योजना क्या दी है मुझे आप बताओ, कुछ नहीं दिए, झूठ है, फरेब है, दोगली सरकार है ये। आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। जी हाँ, उन्होंने नारी शक्ति के लिए जान दी है, तभी अपने अपने सांसदों को बचाया है ना, अपने सांसदों को जब वो बलात्कार करते हैं तो वो बचाते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या मोदी जी का परिवार है, 140 वो तो 140 जन की जनसंख्या को बिल्कुल चिता पे आग रख रखी है उनने, वो चिता चला रहे 140 करोड़ लोगों के। मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बहुत ज्यादा महंगाई होती। कांग्रेस की सरकार, आज जब 440 रुपए का सिलेंडर था आज कितने का है, जब इलेक्शन आया तो 800 रुपए का कर दिया, और वैसे कितने का था, 1100 रुपए का सिलेंडर था। तो ये तो दोगली सरकार है, झूठी सरकार है, बहुत ही बुरी सरकार है। जल की सुविधा हर घर दिए है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए दिए, मर्दों को मर्द पानी नहीं पीते क्या, ये तो सब फालतू की बातें हैं।
पानी तो सब पीते हैं भैया, सभी पीते हैं पानी। पानी के योजना से लाभ है कि नहीं मोदी जी की योजना से? सब बेकार है, कुछ नहीं है, बर्बाद है देश, बर्बाद है, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है देश। अगर आप हम लोग सब लोग आप लोग नहीं अगर समझेंगे तो और भी बर्बाद होएगी ये सरकार। मणिपुर जल रहा था, एक बार झांके नहीं है वहां जाकर के, इन्होंने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? इनके अंदर सीने में दिल नहीं है, इनके बाल नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, दोगला आदमी है। मैं तो बिल्कुल मुंह पे अगर आ जाए तो मैं तो सामने मुंह पे भी कह दूंगी। भारत विश्व गुरु बन गया, भारत विश्व गुरु बन गया। वो उन लोगों के लिए अंधे भक्तों के लिए बन गया, जो अंधभक्त है उसी के अंधभक्त है। कौन अंधभक्त है आप बताइए तो? वो आरएसएस वाले अंधभक्त है। वहाँ पे अयोध्या में दिखा तो दिया, अंधभक्तों को दिखा तो दिया, जब वो सफाया हो गया बीजेपी का वहाँ से, वहीं से हार गई। ये तो लोकतंत्र हार जीत होता रहता है। अरे तो ये कौन सी बात हुई? हार तो ठीक है, ये लोग जीते थे कभी, अब कांग्रेस आ रही है दिख जाएगी। सफाया 50 साल तक कभी सफाया हो जाएगा, कभी नहीं आएगी बीजेपी, देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ पे महिलाएं देश भर से जुटी हैं और यहाँ पे मोदी जी से मांग कर रही हैं कि महिलाओं को भी आरक्षण दें, जो महिला आरक्षण विधेयक है उसको पास किया जाए और महिलाओं को भी आरक्षण किया जाए। और भी तमाम मुद्दों पर यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि जिस तरह से देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और महिलाओं पे जिस तरह से जुल्म और अत्याचार हो रहा है इस मोदी सरकार में, उस पर ये लोग रोक लगाएं। और इस सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो अलका लांबा जी हैं, जो महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे कॉल दी थी और उनके कॉल पर यहाँ पे जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश से बहुत सारी महिलाएं देश के कोने कोने से यहाँ आई हैं। क्या कहेंगी मैम आप? देश का बैलेंस बिगड़ गया है, ना इंसाफी है, महिला के लिए तो बिल्कुल ये रहने की जगह नहीं है, महिला इनसिक्योर है। महिला के घर में देखो, चाहे शराब नोशी हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर एक बात से महिला जूझ रही है, या कोई काले कानून हो, करप्शन हो, ये सरकारी अपराधी अपराध बढ़ाए जा रहे हैं, सरकारी अपराधी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, देश की महिला परेशान है, घर में भी, सड़क पे भी, सदन में भी। हम लोग को 33% आरक्षण दे दे, देश को हम लोग संभालना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं। आरक्षण क्यों चाहिए? क्योंकि ना इंसाफी कर रहे हैं ये लोग बैठ के। जो 33% महिला जाएगी सदन में तो वो सही सही व्यवस्था ठीक करेगी देश की। लोग कहते हैं कि आरक्षण मिल जाने के बाद मेरिट का पता नहीं चलता है। नहीं, अब महिलाएं अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था महिलाएं बैलेंस करेगी। आरक्षण तो मिले, देश का बैलेंस ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों महिला ठीक करेंगे। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि महंगी सब्जी महंगी दाल, बंद करो ये अत्याचार। क्या कहेंगी मैम जिस तरह से आप महंगाई पे ये लिखी है? महंगाई है कहाँ? महंगाई तो हर जगह है, महंगाई की मार तो हम ही लोग झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग किचन में हैं और सब कुछ बिक गया है हमारे, हर चीज में GST लगाया, खाने पाने सब में। बीते दिन देखी होंगी कि जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि 100 रुपया दाल है कहाँ महंगा है। उन्हें क्या पता, वो AC में बैठने वाले हैं, उनको मालूम नहीं, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता, उनके यहाँ आ जाती है। वो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड से आए हुए हैं और झारखंड से आ करके यहाँ पर हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं। अपने महिला आरक्षण 33% आरक्षण जो हो गई है वो 29 में क्यों अभी लागू करो? आरक्षण क्यों जरूरी है आप बताइए मैम? झारखंड आरक्षण जरूरी है, आरक्षण मिलेगा तभी तो हम महिलाएं मजबूत होंगे। उनकी राज 29 साल 10 साल बाद आरक्षण होगा, हम क्या करेंगे? हमको अभी आरक्षण चाहिए, और ST और OBC है उन महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण इसलिए चाहिए, मजबूती में क्या मजबूती मिलेगी आपको आरक्षण मिल जाने के बाद? आरक्षण मिलने से हमें हमारे बच्चों की नौकरी या हमारे हमको महिलाओं का हक मिलेगा। अभी रीवा जैसी कांड तो नहीं होती, रीवा में महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया, ये क्या है? इसलिए हम आरक्षण मांग रहे हैं। वो महिलाओं को गाड़ते तो नहीं, क्योंकि आरक्षण होता तो हम संसद आज
लड़ते यहाँ पर आते, लड़ते किसी और के चलते, लड़ते एडुकेशन के लिए, लड़ते महंगाई के लिए भी लड़े, लेकिन आज आरक्षण मांगने हम आए हैं ताकि हम मजबूत हों और हम अपनी लड़ाई कर सके। झारखंड से सैकड़ों महिला यहाँ पर आई हुई है, रांची से लेकर के सारी दुनिया का, हम अपनी टीम के साथ सैकड़ों लोगों के आए हुए हैं। लेकिन मोदी जी मंचों से कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। अरे मोदी की बात ही तो अलग है, उनकी तो जबान फिसलती है, वो लड़की बचाओ बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कहते हैं, हकीकत उनके जबान पे आती है। मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। सबसे ज्यादा गंदी राजनीति अपनी जिंदगी में और अपने पूर्वजों की जिंदगी हमने अभी देखा। हम वो चाय बेचने, वो बोलते मैंने चाय बेचा, उन्होंने पूरे कुछ को बेच दिया है क्या? बेच कहा रहे, वो तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, वो अपने यारों को मजबूत कर रहे हैं, अपने दोस्तों को मजबूत कर रहे, वो अडानी को मजबूत कर रहे हैं, वो अंबानी को मजबूत कर रहे, हमें नहीं कर रहे, हमसे उनका कोई नाता ही नहीं है। वो तो आए थे अभी अभी नारा लगाए थे 400 पार, लेकिन 400 पार हुई नहीं, 400 पार ना करे अडानी के लिए क्या हुआ? अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की तो ये सिलसिला कांग्रेस से शुरू होती है, क्या कहेंगी कांग्रेस पर आप? नहीं, ये आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ तो मनमोहन के समय में क्या हुआ था? इकोनॉमिक्स बचाए थे, इकोनॉमिक्स बचाए थी। अगर ये चीजें कांग्रेस ने शुरू की होती तो कांग्रेस के समय में होती, बीजेपी के समय में क्यों हुई ये चीजें? महिलाएं जो हैं, आज जो महिलाओं के साथ ये हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या इतनी गंदी सरकार आपसे पहले कहीं देखी है? क्या महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है? अगर गंदी सरकार होती तो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल संभाल रहे हैं। मुद्दा ईवीएम, मुद्दा ईवीएम है, फिर ईवीएम कौन ले आया? मोदी जी का ईवीएम कांग्रेस की सरकार में आया। किसकी सरकार में? गड़बड़ी किसने करी? किसकी सरकार चलती चली आ रही थी? कैसे पता चलेगा कि गड़बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके कहने से थोड़ा ना होगा कि गड़बड़ी है। गड़बड़ी हुई है कहने से नहीं, जिस जिस जगह पर ईवीएम ने इनकी ईवीएम चली है उस जगह पे गड़बड़ी। उसके लिए न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका है से पता नहीं, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है पता नहीं, नगर आयोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ है और उसी वजह से ये चुनाव हर बार जीतते आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये जंतर मंतर का जगह है, दिल्ली का जंतर मंतर का, और यहाँ पे देश से कोने कोने से महिलाएं यहाँ पे आई थी और अपने आरक्षण को लेकर और जिस तरह से सोशल जुल्म का अत्याचार हो रहा है महिलाओं को, उनको लेकर यहाँ पे आवाज उठा रही थी। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि महिला आरक्षण विधेयक बिल पास करो और उसमें ओबीसी महिलाओं को भी सम्मिलित करो। तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे मैंने महिलाओं से भी बातचीत की, आपकी क्या इसमें राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।